हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट आरू। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या हैं इस वक्त। ठीक है, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, और जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, जो नहीं करती वो किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, और रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू। करंट फीलिंग्स, लेट्स सी राइट नाउ आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, थॉट्स और एक्शन। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, स्पाउस, एक्स वाई जी, जो भी आपके पर्सन हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड हैं, आपके आपके पर्सन, ये मैरिज वालों के लिए भी रीडिंग होती है। ठीक है, मैं पर्सन बोलती हूँ तो ये पर्सन आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके आपके कोई मतलब कि आपका रिलेशनशिप इंगेजमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो करंट फीलिंग्स योर पर्सन, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। स्लो बट स्टेडी, ये पर्सन बहुत स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत स्लो अप्रोच है, कुछ यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, हीलिंग एनर्जी चल रही है, कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में हीलिंग की नीड है। ठीक है, बहुत स्लो कनेक्शन है आपका, स्लो बट स्टेडी। ये पर्सन बहुत स्लो मूवमेंट करता है, बहुत स्लो एक्शन लेता है, या बहुत बहुत स्लो चलने वाला इंसान है। जिसको भी आप डील कर रहे हैं, बहुत स्लो एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, क्लैरिफाई स्लो बट स्टेडी फीलिंग्स में आपके पर्सन के लिए क्या है। यहाँ पे ये पर्सन क्या स्लो बट स्टेडी, बहुत स्लो पर्सन लग रहा है ये मुझे जी। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब के स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है। पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने विशेष पे बिजी रहा है। ठीक है, पास्ट में अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा फोकस ओरिएंटेड पर्सन, मतलब फोकस रहता है। अगर कैरियर पे फोकस हो जाए तो रोमांटिक लाइफ से थोड़ा सा डिटैच हो जाएगा। मतलब कि एक फोकस एनर्जी है इस पर्सन की, जिसको भी आप डील कर रहे हैं। पर्सन पास्ट में बहुत फोकस रहा है अपने काम पे, अपने कैरियर पे, एक स्ट्रेस में इस वक्त। ठीक है, कुछ गलती रियलाइज हो रही है, या अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है, या इस पर्सन को लग रहा है कुछ गलत कर दिया, कोई अपॉलोजी के लिए मैसेज, टेक्स्ट ये पर्सन करना चाहता है। ठीक है, या आपकी तरफ कोई इमोशनल, ये पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब है। ठीक है, लेकिन उस जो इमोशनली डिस्टर्ब होने की वजह से जो स्टक हो चुका है अपनी लाइफ में, वो स्लोली स्लोली रिकवर होगा। आपके पार्टनर को हीलिंग की नीड है। ठीक है, आपके पर्सन, अब आपने कुछ गलत करा या किसी थर्ड सिचुएशन से जहाँ एक्सपेक्टेशन थी वहां से कुछ गलत हुआ है, लेकिन किसी ने आपके पर्सन को हर्ट किया। ये पर्सन इस वक्त हर्ट है, पेन में है, डिस्टर्ब है, इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि इमोशनली इस पर्सन की एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी है, डिस्टर्ब एनर्जी में फील कर रहा है अपने आप को। वो सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग्स नहीं है, डिस्टर्ब फील कर रहा है अपने आप को। ठीक है, एक स्लो एनर्जी, बहुत लो एनर्जी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है इमोशनली। कोई कप लेकर, कोई मैसेज लेकर, कोई अपॉलोजी लेकर, या कुछ रियलाइज हुआ जब कहीं से ठोकर पड़ी, ये पर्सन थोड़ा सा रिग्रेट में है, स्ट्रेस में है। जैसे नाइट मेयर्स आना, स्लीपलेस नाइट हो जाना, बहुत स्लो एनर्जी में चले जाना, इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्ब है इस वक्त। जिसको आप डील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, इस पर्सन की इमोशनली एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है। होम, ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ये पास्ट में ये आपको समझ नहीं रहता। ठीक है, लेकिन ये अगर मैरिज से भाग रहा था, कमिटमेंट से भाग रहा था, कमिटमेंट फोबिक था, कुछ होम मतलब के स्टेबल ग्राउंडेड हो रहा है। अगर ये पर्सन अपनी रूट से कनेक्टेड नहीं था, बहुत इन एंड आउट करने वाली एनर्जी में था, बहुत एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी में था, या बहुत अच्छे की तलाश में था, तो अब ग्राउंडेड होना चाहता है, अब ये ठहरना चाहता है। ठीक है, ये इस तरीके की फीलिंग्स है कि अब इसको ठहरना है, स्टॉप होना है, अपने आप को रोकना है, अपना मतलब के स्टेबल होना है, कुछ स्टेबल डिसीजन मेकिंग करनी है। क्लैरिफाई होम, वेट, क्लैरिफाई होम, यहाँ पे होम की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। क्लैरिफाई होम, आपके पर्सन डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन कुछ स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, एम्प्रेस, बिल्कुल मैरिज कमिटमेंट के लिए आपके पार्टनर भी, लव लाइफ में आप सक्सेस चाहते हैं। शायद आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा पास्ट में कैजुअल रिलेशनशिप बनाए। ठीक है, डेथ, आपके पर्सन किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा ट्रिक्स्टर थे। ठीक है, माइंड गेम्स या ट्रिक्स्टर, बहुत ज्यादा ट्रिक्स लगाना, टाइम पास कर लेना,
कैजुअली कम्युनिकेशन कर लेना, डेटिंग कर लेना, आपके पर्सन का माइंड ऐसा था, ठीक है, लेकिन अब राइट नाउ आपके पर्सन एक स्टेबिलिटी, मतलब कि अपनी लाइफ में जो भी चाह रहे हैं स्टेबल चाह रहे हैं, एक एम्प्रेस, मतलब कि फैमिली फैमिली बनाना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन से। अगर ये पर्सन पास्ट में आपकी वैल्यू या घर की या मैरिज की वैल्यू नहीं जानता था जो आप उसको ऑफर कर रहे थे, अभी उसकी वैल्यू और वर्थ समझ रहा है, ठीक है, सक्सेस चाहता है, आप स्टेबल करेक्शन चाहता है, इस पर्सन की ख्वाहिश है, जैसे एक विश नज़र आ रही है, इसको मैरिज करनी है, अपने एक अपना पर्सन चाहिए, अपना पार्टनर चाहिए। अगर पास में ऐसा नहीं था, बहुत चूजी था या कैजुअल हुआ हुआ था या बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी में थी, एनर्जी में था, बहुत एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है, जैसे एक्सप्लोर करना, बार बार एक्सप्लोर करना, अपने पार्टनर को एक्सप्लोर करते रहना, अच्छे से अच्छे, खूब से खूब तरह की तलाश, ठीक है, एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी नहीं, ये एक्सप्लोर नहीं कर रहा, ठीक है, ये अब स्टेबल होना चाह रहा है, ये सेटल होना चाह रहा है, ये सेट होना चाह रहा है, मतलब के एक होमली एनर्जी चाह रहा है, किसको पता हो इसका कौन सा पार्टनर है, इसको पता हो मतलब के इसके सामने है, किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, किसके ऊपर नहीं कर सकता। एक ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी सोच बदल रही है, थॉट प्रोसेस बदल रहा है, चेंज हो रहा है, मैरिज के लिए जैसे एक मीनिंग्स बदल रही है, अपने लिए जैसे एक फीलिंग्स बदल रही है, कि स्टेबल होना चाहती है फीलिंग्स, ग्राउंडेड मतलब के सेटल होना चाहती है फीलिंग्स, पास्ट में नहीं था, पास्ट में बहुत इमेच्योरिटी में था, कुछ गलत किया इसने बहुत ज्यादा अपनी नादानी में, अपनी एक यंग टाइम में या यंग एज में या पास्ट में, कुछ इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी वाला था, ट्रिक्स्टर वाला था, कुछ इसने डिस्टर्ब करा है, कुछ गलत करा है। आपको लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहा है, ये एक एक मतलब के इस पर्सन की बहुत एक जर्नल एनर्जी थी, ये पर्सन अपनी लाइफ में सेट होना चाह रहा है, ग्राउंडिंग, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा रूट से कनेक्टेड देखता है, ग्राउंडेड एनर्जी आपकी, बहुत ग्राउंडेड आप पर्सन है, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी, आप अपने रूट से कनेक्टेड है, बहुत फेमिनाइन है, अगर ये मैस्कुलाइन है तो ये पर्सन आपकी फेमिनाइन एनर्जी की तरह देख रहा है, जैसे अगर ये एक मैस्कुलाइन है, आप आपके अंदर जो मैस्कुलाइन, जैसे इसको जो फेमिनाइन एनर्जी जैसी होनी चाहिए, जैसे इसके माइंड में है कि ऐसी फीमेल होनी चाहिए, ऐसा मेरा मेल होना चाहिए, ऐसा मेरा स्पाउस होना चाहिए, वो सब आप में देख रहा है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी, अपनी रूट से कनेक्टेड है, अपनी फैमिली से कनेक्टेड है, अपने ऑर्थोडॉक्स, अपने अपने कल्चरल, अपने कल्चर से कनेक्टेड हैं आप, ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी पर्सनैलिटी जिसके साथ मैरिज और कमिटमेंट की जा सकती है, ग्राउंडेड एनर्जी, स्ट्रॉन्ग, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपका करेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप एक अच्छे पर्सन है, एक अच्छे इंसान है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचा जा सकता है, आपको लेकर सोच रहा है, क्लैरिफाई ग्राउंडेड ग्राउंडिंग, वेट, यहाँ पे यूनिवर्स बैक ऑफ द स्टोरी कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, पास्ट में स्लो था ये रिलेशनशिप, बहुत स्लो रहा है, ठीक है। टावर बिल्कुल आपके पर्सन के, अगर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर डाउट्स थे, कुछ आपको लेकर गलत नेगेटिव सोचते थे, बहुत डेवलिश एनर्जी, बहुत टॉक्सिसिटी थी, कुछ आपके पर्सन का जैसे थॉट प्रोसेस ब्रेक हुआ है, ठीक है, कुछ टूटा है, कुछ आपको लेकर आपके पर्सन का परसेप्शन बदला है, चेंज हुआ है, ठीक है, ऑब्सेस हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है ये पर्सन, ठीक है, इसने आपको हर्ट किया, बहुत नेगेटिविटी में डाला, बहुत ज़्यादा आपको इसने डिसेप्टिविटी दिखाई आपके साथ, नेगेटिव रहा ये आपके साथ, अब चेंज होना चाहता है, ठीक है, बदलना चाहता है, ऑब्सेस हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, पास में क्लैरिटी नहीं दी इसने आपको, मैसेज टेक्स्ट कुछ मतलब कि ग्राउंडेड एनर्जी थी, बहुत बार हर्ट हुआ आपने, बहुत ज्यादा, या तो इस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी के साथ आपने देखा है, कुछ उसकी वजह से आपने बहुत पेन उठाया है, बहुत एफर्ट भी करी, सब कुछ करा, लेकिन ये पर्सन आपको हर्ट कर आपको पेन देकर खुश नहीं है, स्ट्रेस में है, अजीब सी बेचैनी है, समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या चाहिए, क्यों अच्छा नहीं लग रहा, हर चीज़ है, पैसा कमा रहा है, विशेस को पूरी कर रहा है, लेकिन वो चीज़ जो होती है ना, एक अपना इनर सेटिस्फेक्शन, एक इनर सेटिस्फेक्शन नहीं, अपने आप से मुतमईन ना होना, ठीक है, अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, जो अपने किए से सेटिस्फाई नहीं है, इसने जो आपके साथ किया वो उसको तंग कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, अगर आपने इसको किसी और के साथ देखा, इसने किसी और के लिए छोड़ा था, तो अब रिग्रेट है, अफसोस है इस चीज़ का, अगर ये इसकी मैरिज हो चुकी है, इसने किसी और से मैरिज कर ली, किसी और से कनेक्टेड है, उस चीज़ का भी अफसोस है, ये आपको मिस कर रहा है, आपकी यादों से, आपने कुछ उसको लेटर लिख के दिए थे, कुछ मैसेज लिख के दिए थे, वो इसके पास हैं, मतलब कि उनको देख कर ये पर्सन परेशान है, उन सब चीज़ों को, मेमोरीज को याद कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है इस कनेक्शन में, जैसे एक डिवाइन है यहाँ पर, कुछ ना कुछ टाइम है, इट्स ऑल गुड, आपके पार्टनर को लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट्स ऑल गुड, मतलब डिवाइन यहाँ पर अपने वक्त आने पे, टाइम आने पे सब कुछ सेटल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, सब कुछ परफेक्ट कर देंगे, बेहतर हो जाएगा सब, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में, ब्रेकअप है, या तो ब्रोकन कनेक्शन है, या तो ये ब्रोकन मैरिज है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिस्टर्ब है। क्लैरिफाई डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई डिवाइन टाइमिंग। द लवर,
आपके पार्टनर यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे आपको एक अप्रोच कंप्लीट अपना ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको किसी अप्रोच करने का, आपको मैसेज या टेक्स्ट करने का डिसीजन मेकिंग दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन डिसाइड कर रहा है इस पर्सन को किस रास्ते जाना है। अगर लवर के तौर पे कोई चॉइसेस नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो आपके पर्सन चूज कर रहे हैं, चॉइस मेकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन को किसके साथ कनेक्ट होना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसी के साथ मैरिज करनी है, क्या रास्ता डिसाइड करना है। डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि टाइम आने पे सब ठीक हो जाएगा, या तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम आने पे सब कुछ राइट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आपको भी ऐसी फीलिंग्स हैं, ठीक है। एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का, फीलिंग्स इस पर्सन की थोड़ी सी, जैसे मतलब कि आपके साथ कुछ गलत कर दिया, ये वाली फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के अंदर जिसको भी आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है कुछ गलत हो गया, मेरे साथ कुछ मिस्टेक हो गई, तभी मैं अंदर से अपने आप को इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपके पर्सन का एक्शन इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। रिट्रीट ड्यूलिटी में जो थे आपके पर्सन, मूवमेंट इनटू बैलेंस, आपके पर्सन खुद को बैलेंस में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंस में आने, पर्सन अगर इम्बैलेंस रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं थी, तो पर्सन बैलेंस में आना चाह रहा है। आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है, भाई एम्परर बहुत ज़्यादा सोच रहा है एक्शन लेने से पहले, थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है आपके पर्सन, जैसे टू ऑफ पैंटिकल की जगल कर रहे हैं आपके साथ। आपके पर्सन की लाइफ में या तो फैमिली है या तो कोई और पर्सन है जिसको आपके पर्सन के माइंड में उसका थॉट भी आ रहा है, लेकिन आप एक वन एंड ओनली, आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है। ये आपको कॉम्प्रोमाइज किसी भी मामले में नहीं करना चाह रहा राइट नाउ, ठीक है। अब ये आपको चूज करना चाह रहे हैं, अभी आपको आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, अब आप राइट पर्सन है इस पर्सन के लिए, एक राइट इमेज आपके पार्टनर के सामने आपकी है, ठीक है। मतलब कि क्लैरिटी है आपको लेकर के क्या था क्या नहीं था, अब डिसाइड करना चाह रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर जैसे ड्यूलिटी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन को कोई बैलेंस बनाना पड़ेगा, अगर फाइनेंसिस और आपने कोई मसला है तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, फैमिली और आपने कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंसेस है उसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपके पर्सन एक बैलेंस बनाने का स्ट्रॉन्ग सोच रहे हैं, ठीक है। क्या एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं, न्यू बिगनिंग, आपके साथ किसी न्यू बिगनिंग का एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन, आपके साथ किसी लेटिंग गो, पास्ट को लेट गो करेंगे, ठीक है। पास्ट लेट गो हो सकता है, पास्ट में जो हुआ वो सब कुछ हुआ वो लेट गो करना, लेट गो करेंगे, ठीक है। उस सब चीज़ों को खत्म करना चाहते हैं पर्सन, आपसे भी चाहेगा कि आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की तरफ आएँ। क्लैरिफाई न्यू बिगनिंग, किस तरीके की न्यू बिगनिंग हो सकती है इस कनेक्शन में। इस ये पर्सन चाहता है पास्ट को लेट गो कर दिया जाए, इमोशनल लॉस से निकला जाए, क्लियर कर, अब यहाँ पर जो पास्ट है उसको खत्म किया जाए, एक न्यू बिगनिंग की जाए। पास्ट की नेगेटिविटी इस कनेक्शन पे इफेक्टेड है, अभी आप लोग शायद कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, एक हैंग हुआ हुआ एक सिचुएशन। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये कनेक्शन पास से निकले, पास जो था वो खत्म हो चुका है, एक न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट किया जाए, मतलब एक न्यू स्टार्ट के साथ जिंदगी में आया जाए वापस, ठीक है। जो होना था वो हो चुका है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो होना था वो हो चुका है। आपके पर्सन भी न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन एक एम्परर वाली एनर्जी, मतलब कि पर्सन डिसाइड कर रहा है, कोई प्लान नहीं आपके पर्सन के पास। ये पर्सन अगर फैमिली और आपको चॉइस करना है, तो ये पर्सन आपको और फैमिली को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली और आपके साथ ये पर्सन एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वेट, ये पर्सन बैलेंस बनाना चाह रहा है आपके और अपने फैमिली के बीच। आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, लेट्स सी आप लोग के रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है। आप पास्ट को भूल नहीं रहे, या तो आप पास्ट के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, आप तो आपने पास्ट में जो भी देखा है इस पर्सन की लाइफ में, आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे। ये पर्सन चाह रहा है पास्ट को लेट गो करें, पास्ट को आप बिल्कुल पास्ट पे बात ना करें, पास्ट पे डिस्कशन ना हो, ठीक है। बर्डन, यहाँ पर पास्ट का बर्डन बहुत है, पास्ट को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा रहा है, या पास्ट को लेट गो नहीं किया जा रहा, ठीक है। द टावर की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा हो सकता है, अगर पुरानी चीज़ें आप लोग खत्म नहीं करेंगे, जैसे एक डिवाइन यहाँ पर चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइन यहाँ पर चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। पास्ट बर्डन को रिलीज करें, हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहा आपने पास्ट में, बहुत ज़्यादा बर्डन देखा है। डिटरमाइंड, देखिए आप डिटरमाइंड है अपनी लाइफ में, आप वैसे भी एक बहुत एक ऑनेस्ट पर्सन है अपनी लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान है। अब आप चीज़ों को विक्ट्री, अब आप जो डिटरमाइंड होंगे, तो अब आपकी जो सक्सेस होगी, आपको जो आपको जो आपने हार्ड वर्क किया वो आपको विक्ट्री दिलाएगा, वो आपको सक्सेस दिलाएगा। आपकी डिटरमिनेशन है, जो आपका एक सोचने का तरीका है, जो चीज़ों को एक्शन लेने का तरीका है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपके पर्सन शायद रिस्क टेकिंग करना नहीं जानते, लीप ऑफ फेथ लेना नहीं जानते, अपने कम्फर्ट जोन से निकलना नहीं जानते, लेकिन आपने बहुत काम किया।
किया है पास में, बर्डन भी उठाया है बहुत बार आपने चीज़ों को, बार बार बिखरी हुई चीज़ों को संभाला है, बार बार ये इस पर्सन ने बिखेर दिया कनेक्शन, फिर आपने दोबारा इस चीज़ों को सही करा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब कि एंडिंग्स, कुछ एंडिंग्स हो चुकी हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए लेट गो का कार्ड दोबारा आया है यहाँ पे, सरेंडर, अभी फिलहाल के लिए आप सरेंडर करें डिवाइन को, ठीक है, इस कनेक्शन को। प्लानिंग, मैंने कहा ना आपके पर्सन कोई प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर, एक प्लानिंग, आपके पर्सन यहाँ पर कुछ सोच समझ कर करना चाहते हैं। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है जैसे किसी दो दो चीज़ों में स्टक है, या तो आपके पार्टनर की किसी और से मैरिज हो सकती हो चुकी है, या तो आपके पार्टनर अब उस सब चीज उन सब चीज़ों को उससे भी बाहर निकलना चाहते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है, लेगेसी, रीबर्थ, ये पर्सन इस कनेक्शन का एक रीबर्थ चाह रहे हैं। मैरिज अगर आपसे नहीं हुई तो ये मैरिज प्लान कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, ये छोड़ना नहीं चाह रहा ये पर्सन अपनी फैमिली को। अगर यहाँ पे फैमिली है, पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये पर्सन चाह रहा है पर्सपेक्टिव बदले। अगर इसकी फैमिली का पर्सपेक्टिव आपको लेकर डिफरेंट है, नेगेटिव है, ये पर्सन चाह रहा है फैमिली का पर्सपेक्टिव बदले, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, वो भी साथ चले और आप भी साथ चले, बैलेंस रहे, एक रीबर्थ हो। और यहाँ पर एक मतलब कि आउटकम में आप दोनों ही यहाँ पर जैसे इस कनेक्शन पे काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम से काम ले सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स उनको सरेंडर कर सकते हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। पास्ट को लेट गो करना ज़रूरी है, ट्रांजिशन सिचुएशन आगे की तरफ मूव हो रही है, आउटकम में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चाहे आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन आउटकम बेहतर है, चीज़ें मूवमेंट कर रही हैं, चीज़ें अब स्टक नहीं रहेंगी। इमोशनली स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर आउटकम में। लेकिन जो भी है आपको पे ऑफ किया जाएगा, जो आपका हार्ड वर्क है वो आपको विक्ट्री दिलाएगा, वो आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको न्यू बिगनिंग दिलाने के लिए काफी है, ठीक है। आपके पर्सन आपको राइट नाउ क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर यहाँ पर कुछ आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? वेट, मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था। आपके पर्सन हमेशा से आपको ही चाहते रहे। आपके पर्सन का माइंड ये रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू हेट मी। आप पास्ट की वजह से आप पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे, आप पास्ट आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टक है, क्योंकि स्टार्टिंग रीडिंग से आ रहा है आपके पर्सन शायद इस बात को सोच रहे कि आप पास्ट को लेट गो शायद नहीं कर सकें, जो आपको पता है, जो आपने देख लिया, जो हो चुका है, आप उसके उसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको हेट कर रहे हैं। कैन वी टॉक? ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं तो ये पर्सन बात करना चाह रहा है। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं, आपके कुछ गिफ्ट्स हैं, आपने कुछ दिए हैं, कुछ मेमोरीज हैं, हमें पहले भी लग रहा था कि जब हम देख रहे थे कि पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है, हम फिर मिलेंगे। आपके पर्सन को होप है यहाँ पे सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, आप लोग के बीच एक बैलेंस आएगा, ठीक है। तुम मेरी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हो, आप इस पर्सन की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक ज़रूरी हिस्सा रहा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकेंगे, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप इंपॉर्टेंट हैं, तभी आपके पर्सन हर हाल में आपको बैलेंस करना चाह रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उसमें आपको, मतलब कि अगर फैमिली है तो आपको साथ चलाना चाह रहे हैं, फाइनेंसिस रहे, कैरियर रहे, अगर बहुत ज्यादा वहां ध्यान रहे तो उसको भी बैलेंस करना चाह रहे हैं। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, सोच भी रहे हैं ये पर्सन। फोर ऑफ सोच की एनर्जी, ये पर्सन स्ट्रांग सोच रहा है, ठीक है। नो मोर गिल्ट, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत गिल्ट है, ये पर्सन और गिल्ट के साथ नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डिप्रेशन है, परेशान है, लिब्रा, ये पर्सन लिब्रा हो सकता है या आप लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। नो मोर गिल्ट, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड दोबारा आया, ठीक है, जिससे डिवाइन टाइमिंग आप लोग के कनेक्शन में कनेक्टेड है। डिवाइन टाइमिंग कोई ना कोई रोल अदा कर रही है, सेलिब्रेशन, कोई डिवाइन टाइमिंग के उस पर कोई सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगी। गलती मेरी थी, आपके पर्सन कोई गलती मिस्टेक एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस, जो टाइमिंग पे आप लोग मिले वो आप दोनों के लिए सही नहीं थी, या वो जो जब सब कुछ गलत हो रहा था वो टाइमिंग आप लोग के लिए सही नहीं थी, ठीक है। मुझे स्पेस चाहिए था, अगर आपके पर्सन ने आपको पास में लेट गो करा या आपको छोड़ दिया था तो आपके पर्सन को एक स्पेस चाहिए था। आपके पर्सन सही क्या है, गलत क्या है, समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग, ठीक है, आपने कुछ भी गलत नहीं करा, आपका कोई फॉल्ट नहीं था, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है। तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, ठीक है। आपके पर्सन को एक अकेलापन फील होता है, आपका जो आपके पर्सन का जो सेल्फ है वो एक गिल्ट में है, आपके पर्सन को अकेलापन फील होता है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पार्टनर कभी आप जिस इंसान से पहले नहीं मिले, जो आपके पर्सन ने झूठ बोला उस पर रिग्रेट है, उस पर आपके पर्सन को उनको ऐसा लगता है उन्होंने गलत कर दिया। लियो, यहाँ पे कोई स्ट्रांगली लियो हो सकता है, ठीक है, आप लोग के साइन लिब्रा लियो स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है।
तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, आपके पर्सन पूछना चाहते हैं कि आप आज भी इस पर्सन से लव करते हैं या नहीं, मतलब कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है आप दोनों के बीच अभी भी लव, कि आप पास की तरह जो भी हो चुका है उसके बाद आप इस पर्सन को पास की तरह एक्सेप्ट करेंगे, आप लव करेंगे इसके साथ, वैसे ही कनेक्ट होंगे या नहीं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।